धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी देखिए। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक अब टीवी पर भी शुरू हो गया है। इसे आप रेडियंट के DCN धौलपुर केवल नेटवर्क के चैनल नंबर 252 पर भी देख सकते हैं। धौलपुर जिले में फिर लहराया परचम, पट्टा वितरण में प्रदेश रहा प्रथम। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पट्टा वितरण करने में धौलपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर आया है, जिस पर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों एवं आमजन को बधाई दी है। शिविरों में सभी विभागों के अधिकारियों ने मानवता का अनूठा परिचय देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों से उनकी झोली भर दी। शिविर आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। वर्षों से पट्टों का इंतजार कर रहे लोगों को राहत प्रदान के साथ साथ अभियान में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर उनकी सहायता भी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि धौलपुर जिले में 8 नवंबर से प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन से 22 विभागों के अधिकारी हर ग्राम पंचायत के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पहुंचकर आवेदनों को मौके पर ही समाधान मुहैया कराया, जिससे आमजन को राहत मिली। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला राज्य में पट्टा वितरण में प्रथम स्थान पर रहा। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के अंतर्गत 184 कैंपों के अंतर्गत 41,547 पट्टे जारी किए गए। जिले में पट्टा वितरण प्रति शिविर औसत 225.80 रहा, जो प्रदेश के सभी जिलों से बेहतर रहा है। कोटा जिला इसमें द्वितीय स्थान पर रहा है, वहीं बूंदी जिला तृतीय स्थान पर रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक में 10,149 पट्टे, सरमथुरा में 4,849, बसेड़ी में 5,373, सेंपू में 7,067 पट्टे, रजाखेड़ा में 6,917 पट्टे एवं धौलपुर ब्लॉक में 6,122 पट्टों का वितरण किया गया है। बाड़ी में दो पक्षों में पथराव और फायरिंग, छतों से फेंकी कांच की बोतलें, मोहल्ले सहित आसपास दहशत का माहौल। बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच पुराने झगड़े को लेकर फिर से विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया, साथ में कांच की बोतलें भी फेंकी गयी। इस दौरान कुछ युवाओं द्वारा फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। करीब आधा घंटे तक चले इस मंजर में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी कसाईपाड़ा मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ कोई भी आरोपी नहीं लगा है। QIT टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ घरों की तलाशी भी ली है, लेकिन कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। दोनों पक्षों के सभी लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर बाड़ी थाना प्रभारी गजानन चौधरी का कहना है कि मोहल्ले में पुलिस के पहुंचने के बाद कोई भी आरोपी नहीं मिला है, अभी मौके पर शांति है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। QIT की टीम के साथ कसाईपाड़ा के घरों की भी तलाशी ली है, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग सके हैं। घरों में केवल महिलाएं और बच्चे हैं। मौके पर शांति है, जाप्ता भी तैनात है। जिन पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है उनमें एक माह पूर्व भी झगड़ा हुआ था। सुन्नी कुरैसी और हनीफ खां के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व झगड़े में सुन्नी कुरैसी पक्ष के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो 20 दिन बाद हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे हैं। अभी किसी भी पक्ष ने उन्हें कोई तहरीर नहीं दी है। मामले में जांच जारी है। कसाईपाड़े में पथराव की बोतल फेंकने की सूचना मिली थी टेलीफोन से। इस पर मैं और मेरे स्टाफ को लेकर के QRT टीम को लेकर के मौके पर गया। हमारे जाने से पूर्व भी दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है और खाली कांच की बोतलें फेंकी गई हैं। घरों पर दोनों पक्षों का कोई मर्दमान मौजूद नहीं मिला, महिलाएं बच्चे मिले। मोहल्ला पूरे में हमने जाकर के तलाशी ली, एक एक घर में जाकर के मुलजिमों की दोनों पक्षों को तलाश किया, नहीं मिले। ना ही किसी ने कोई रिपोर्ट दी है और ना ही किसी के कोई मजरूब होने की सूचना मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ फायरिंग हुई है। स्थानीय लोग हमारे सामने कोई नहीं आया, ना ही किसी ने हमको कोई जवानी, ना किसी ने मौखिक रूप से हमको बताया कि यहाँ फायरिंग हुई है। और फायरिंग के हालात के बारे में भी हमारे खुफिया तौर से हम जानकारी कर रहे हैं। रीट में पद बढ़ाने के लिए युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा यानी कि रीट परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले मंगलवार को क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने उपखंड कार्यालय बाड़ी पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। बेरोजगार छात्र सुनील गोस्वामी, मुकेश गिरी एवं अन्य ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई थी। ऐसे में वर्तमान गहलोत सरकार भी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करे, जिससे बेरोजगार युवाओं को कुछ लाभ मिल सके। कोरोना के चलते करीब 2 वर्ष विलम्ब से रीट परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में मात्र 31,000 पद बहुत ही कम है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में पदों की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी है। मुख्यालय बाड़ी पर ज्ञापन दिया और हम चाहते हैं कि हमारे रीट के पद 31,000 से 50,000 माननीय मुख्यमंत्री साहब करें, ये हमारा वक्तव्य है। एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और हमारा उनसे अनुरोध है कि हमारी जो वैकेंसीज है 3 वर्ष हो गए हैं उनको, और इससे काफ़ी सारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। चंबल नदी के घाट पर बजरी भरने गए अधेड़ की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के चंबल नदी के भूड़ा घाट पर सोमवार मंगलवार की रात को एक अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली व अधेड़ के शव को अलग अलग स्थानों से कब्जे में ले लिया। रात्रि में ही पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोचरी में रखवाया। मृतक के पुत्र मनोज कुमार निवासी मंसूरपुरा थाना कोलारी ने बताया कि उसका 45 वर्षीय पिता वासुदेव चंबल बजरी के परिवहन का काम करता था। मंगलवार की रात चंबल नदी के भूड़ा घाट पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भरने गया था। पीड़ित ने बताया कि रात्रि में एक अन्य व्यक्ति से बात हुई थी, जिसने मोबाइल पर बताया कि पिता ने अधिक शराब का सेवन किया है। मोबाइल पर बात होने के कुछ समय बाद दोबारा कॉल आ गया, जिसमें हरि सिंह नाम के व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई। पीड़ित के मुताबिक चंबल बजरी परिवहन के दौरान कहासुनी होने पर हत्या की गई है। मृतक के पुत्र ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट पुलिस थाने में पेश की है। पुलिस ने जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया तथा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम अनिल कुमार, गांव मंसूरपुरा कोलारी से हूं। मेरे पिताजी शाम 3 बजे भूड़ा घाट पर चमड़ भरने के लिए गए थे, तो मैंने 5 बजे कॉल किया था पापा से, तो पापा कह रहे थे बेटा मैं वाल बात कर रहा हूं, मैं घटिया पर चढ़ रहा हूं। तो उन्होंने के पास किसी ने फ़ोन काट दिया उनका, तो थोड़ी देर बाद मैंने इधर से कॉल किया तो 2 बार कॉल काट दिया, मेरा बिजी बोल रहा था। तो आध घंटा बाद उधर से फ़ोन आया है हरी सिंह का, हरी सिंह ने पापा के फ़ोन से कॉल किया था। हरी सिंह ने कहा मुझसे कहते पापा ने दारू पी ली जैटोनी टैगटे थे दिहली थाने की गाड़ी ले आ रही है और फटाफट तू आ जा। तो हम जैसे चले गए तो हरी सिंह बुलाए हो मैंने, हरी सिंह ने हरी सिंह तेने हत्या करिए जे, तो सारी करामत जो हरी सिंह ने हत्या किए जाओ। कल दिनांक 20/12/2021 को शाम के टाइम सूचना मिली थी भूरा गांव के हार में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर ये वासुदेव सुनव हुकम सिंह जाति बोधा निवासी मंसूरपुरा थाना कोलारी मृत अवस्था में मिला। उसकी डेड बॉडी को कल शाम को या पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, घर वालों ने अभी कोई रिपोर्ट दी नहीं है, इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्बेदी नगर, कॉलोनी धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें D² शोरूम, निक्की बाबू की कोठी के सामने
पुलिस चौकी के बगल से कोठी धौलपुर। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी मंदिर की जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ शुभारंभ। पूर्वी राजस्थान के सिंह द्वार मनिया से हुआ विधिवत शुभारंभ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग के नेतृत्व में मनिया से प्रारंभ हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा एवं विशिष्ट अतिथि पलवल से आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद मंगल, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल मंचासीन रहे। अतिथियों द्वारा भगवान अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्य अर्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। पूजन के पश्चात कार्यक्रम संयोजक नरेश बंसल एवं राजेश गोयल द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। रथ यात्रा के शुभारंभ पर राष्ट्रीय प्रदेश एक जिला व इकाई से कार्यकर्ता मौजूद रहे। रथ यात्रा मनिया तहसील के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें अग्रबंधुओं ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया एवं सभी ने आरती की। कार्यक्रम में युवा जिला अध्यक्ष कमल किशोर बंसल ने मंच संचालन करते हुए अग्रवा में बन रहे विशाल मंदिर के बारे में चर्चा की। इस मौके पर मनिया के पदाधिकारी विजय बंसल, राजेश गोयल, पीयूष गोयल, अजय बंसल, धांदूराम मंगल, राधेश्याम बंसल, गिरिराज बंसल, जगमोहन बंसल, मुनेश सिंगल, ममता गोयल द्वारा मंदिर निर्माण के लिए करीब 2.5 लाख रुपए एवं 250 ग्राम चांदी भेंट की। कार्यक्रम के समापन पर प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। बाड़मेर में शिक्षिका की मौत मामले में प्रभारी मंत्री से की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के कुमेहरी गांव की रहने वाली युवती सोनम कुमारी बाड़मेर जिले में शिक्षिका के पद पर तैनात थी, जिसकी गत 9 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर परिजन सोमवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर में जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांद्रा से मिले और घटना में संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इसे लेकर जाटव समाज के लोगों ने प्रभारी मंत्री चांद्रा को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि कुमेरी की रहने वाली सोनम कुमारी फरवरी 2019 से बाड़मेर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़िया मोती सिंह ब्लॉक सिंहधरी में कार्यरत थी, जिसे स्कूल के प्रधानाध्यापक और अन्य एक शिक्षक अपमानित करते थे तथा उससे अभद्र व्यवहार करते थे। उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने शिक्षिका सोनम कुमारी की हत्या की है, क्योंकि जब उसके शव को लेकर धौलपुर आए तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने मोबाइल से बाड़मेर के एसपी को इस मामले को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया। चेकिंग को देख भाग रही कार को पुलिस ने पकड़ा, 4 युवक गिरफ्तार, अवैध हथियार को किया जब्त। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर में जगदीश तिराय के पास वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर एक इको कार के भागने के बाद पुलिस ने पीछा कर कार को रोक लिया। कार के रुकते ही एक युवक कार को छोड़कर भागने लगा, जिसे पकड़कर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस को एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा मिल गया। अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक सहित कार में बैठे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि थाने के एएसआई नरसिंह को वाहनों की चेकिंग के लिए लगाया गया था। इसी दौरान बाड़ी से धौलपुर की ओर आ रही एक इको कार पुलिस की चेकिंग को देखकर भागने लगी। कार का पीछा कर पकड़े गए युवक से अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में अनोखे पुत्र कीरत उम्र 25 वर्ष निवासी मोरौली को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार को जब्त कर लिया गया है। वहीं कार में 7 बैठे रामनिवास पुत्र बच्चू उम्र 28 वर्ष निवासी वरीपुरा, सुनील पुत्र रमेश उम्र 23 वर्ष निवासी पुरानी छावनी धौलपुर, मोनू पुत्र कीरत उम्र 20 वर्ष निवासी मोरौली धौलपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार को भी जब्त किया है। बोलेरो ने बाइक को सामने से मारी टक्कर, 4 घायल। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के राजौरा खुर्द के पास सोमवार रात्रि करीब 10 बजे बोलेरो ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी व पुत्र सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से चारों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक रीना पत्नी सुनील, सुमित पुत्र सुनील, राम पुत्र सोनेराम, राजेंद्र पुत्र शर्मन घटना में घायल हुए हैं। सभी घायल मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं। घायल सुनील ने बताया कि वे तातपुर गमी में गए हुए थे।
प्रतापपुर से वापस घर जाते समय बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं लक्ष्मीकांत सिकरवाल, नर्सिंग स्टाफ, रजौरा खुर्द के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें चार लोग एम्बुलेंस की मदद से इमरजेंसी हॉस्पिटल लाए गए, जिनका चारों का इलाज चल रहा है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। परिवार के दो पक्षों में जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा, चार घायल। कोलारी थाना क्षेत्र के भूरापुरा गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में घायल हुए एक पक्ष के दो महिलाओं सहित चार जनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार धीरज पुत्र कप्तान सिंह तथा उसका भाई धर्मेंद्र, मां भूरी देवी तथा करीब 75 वर्षीय दादी रामदेवी पत्नी गणपत सिंह घायल हुई हैं। घायल युवक धर्मेंद्र ने बताया कि उनके परिवार के ही लाल सिंह, महेश आदि से खेत के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ है, जिन्होंने एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है। बताया जाता है कि धीरज और धर्मेंद्र मंगलवार को ही जयपुर से गाँव पहुँचे थे, तभी परिवार के लोगों ने झगड़ा करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं ग्राम भूरापुरा से हूँ। तो मेरे घर वाले हैं, क्या है कि वो चाचा जी हैं तो मेरे खेत के ऊपर लफड़ा कर रहे हैं। तो मेरी दादी जी मार रही है, मैं भी मार रहा हूँ, मेरा छोटा भाई मार रहा है। कल हम बैठे हुए थे जयपुर से, आज आ गए हैं तो आते ही हम दोनों मारे हैं। और तो मेरे घर वाले ही मारे हुए थे उन्होंने, और तो पहले मेरे पिताजी मारे थे, पिताजी मेरे गुजर चुके हैं। मारने वाले थे मेरे, एक तो मीना थी, लाल सिंह था, महेश और गुड्डी, और एक अलीगढ़ का आदमी था जिसका मैं नाम जानता नहीं हूँ, वो गुजर के रूप में गुजर था, उतना मैं जानता हूँ। कितने लोगों के साथ में आया था, कितने लोगों का चोट आई? टोटल 6 लोग थे वो। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन। भारत तिब्बत सहयोग मंच धौलपुर एवं भाजपा धौलपुर के पदाधिकारियों ने भाजपा के युवा नेता ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच युवा विभाग जयपुर प्रांत के अध्यक्ष महेंद्र दुबे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रैना होटल धौलपुर एवं हेल्थ प्लस लैब पर महेंद्र दुबे के जन्म दिवस के अवसर पर केक काटकर माला पहनाकर वह मिठाई बांटकर शुभकामनाएं और बधाई दी। इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने दिन भर सोशल मीडिया पर भी दुबे को बधाई दी। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष रितेश सक्सेना, धौलपुर नगर परिषद प्रतिपक्ष के नेता पप्पू शर्मा, वसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, कमल पहाड़िया, नंद किशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, ऋतिक वर्मा, सत्येंद्र मिश्रा, राकेश बंसल आदि भी मौजूद रहे। विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा, प्रधान तुलसीराम कुशवा। तसीमोस में सैप प्रधान का चांदी का मुकुट पहनाकर किया स्वागत। ग्राम पंचायत तसीमोस सरपंच द्वारा पंचायत समिति सैपो के नव निर्वाचित प्रधान तुलसीराम कुशवा का फौजी गार्डन तसीमो में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान तुलसीराम कुशवा रहे, अध्यक्षता रामवीर सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि सैपो पंचायत समिति के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल रहे। कार्यक्रम में सैपो प्रधान तुलसीराम कुशवा का चांदी का मुकुट, साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया।
इस मौके पर सैपऊ सरपंच अर्जुन सिंह कुशवा, सैपऊ सरपंच संघ अध्यक्ष संदीप सिंह उमरारा, सरपंच जय भोले विकास समिति सैपऊ अध्यक्ष रामहित कुशवा, पूर्व प्रधान उम्मेदीलाल कुशवा, जिला परिषद सदस्य उमेश कुशवा आदि का ग्राम पंचायत तसीमो पंचायत नीलम परमार व प्रतिनिधि रामवतार फौजी, चेतराम कुशवा, होती जाट कैलाशी परमार द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपका बेटा, आपका भाई, आपके विकास के लिए जहाँ भी आपको प्रधान की आवश्यकता है वहाँ आपके बीच आपके कंधा से कंधा मिला के आधीरा खड़ा रहे आपको। घर के बाहर बैठे दो सगे भाइयों पर लाठी डंडों से किया हमला। धौलपुर शहर के नियालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम घंटाघर के पास घर के बाहर बैठे दो सगे भाइयों पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में सवार होकर आए दर्जन भर से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायलों के चचेरे भाई भागीरथ ने निहालगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि पवन और श्याम सुंदर पुत्र रामनिवास घंटाघर रोड धौलपुर पर स्थित अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी उनके गांव देवकापुरा निवासी महेश, रामकरण, मुकेश और हिंसा सहित डेढ़ दर्जन से अधिक लोग स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर उनके घर के बाहर आ गए, जहां उन्होंने घर के बाहर बैठे दोनों सगे भाइयों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। ट्रैक्टर से बचने के बाद आरोपियों ने बंदूक से दो फायर किए, जिनके मिस हो जाने के बाद आरोपियों ने लाठी और डंडों से दोनों भाइयों पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल पवन ने बताया कि उसके गांव के रहने वाले आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके खिलाफ थानों में कई मामले दर्ज हैं। घायल ने बताया कि आरोपी उन पर पुलिस की मुखबरी का शक करते हैं, जिसको लेकर उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया। थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि घायलों द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है, जिससे दूसरे आरोपियों की पहचान की जा सके। मेरा नाम पवन है। राम मेरे घर पे आए महेश भागीरथ सूरज और रामकरण एमपी के लोग थे और तिगरा थे, ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो से भर के आए। जान गोली सीधी गोली थी और लठ दे सरियन से उन्हें छोटे भाई का सिर फोड़ दिया है, वहीं में लठ दिए हैं और घर में तोड़ फोड़ कर गए। और वे क्या है, लुटेरे अपराधी हो रहे हैं साहब। कोई पुराना विवाद था क्या? हाँ, पुराना विवाद ये जमीन का विवाद और रेता का विवाद। वे क्या रेता चलाते हैं साहब, हम रेता चलाते नहीं। मंजरी फाउंडेशन ने घर घर चलाया कोविड टीकाकरण अभियान। मंजरी फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर दस्तक, हर एक को टीका के स्लोगन के साथ लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोरोना जैसी महामारी से खुद को व परिवार को बचाया जा सके। मंजरी फाउंडेशन की टीम में इमरान अली, छीतरिया लाल, भूपेंद्र कुमार, संदीप कुमार व वैक्सीनेटर बबीता घर घर जाकर लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति आमजन में जागरूकता ला रहे हैं। हमारी मंजरी फाउंडेशन की तरफ से जो 6 ब्लॉकों में टीकाकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 60 लोग कार्यरत हैं। मंजरी फाउंडेशन की तरफ से 10वीं पीएससी को उससे संबंधित जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं चार, उनमें 100% 100% टीकाकरण करने की मुहिम चलाई जा रही है। धौलपुर एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग। पुलिस लाइन धौलपुर के सभागार में एसपी केसर सिंह शेखावत ने जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों एवं थाना अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। भगोड़े घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रगति की जानकारी लेते हुए थाना अधिकारियों को विभिन्न एक्ट में अधिक से अधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने, एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध।
प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 KV GSS के पास बाड़ी रोड धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, ब्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 28 दिसंबर से। बैडमिंटन संघ धौलपुर द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 28 दिसंबर से इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में आयोजित की जाएगी। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि जिला बैडमिंटन संघ द्वारा स्वर्गीय वीर लोकेंद्र राणा की स्मृति में जिला स्तरीय सब जूनियर 10 वर्ष से 13 वर्ष तथा 15 वर्ष एवं जूनियर 17 व 19 वर्ष बालक बालिका वर्ग में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक खिलाड़ी 27 दिसंबर तक इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे तक अपना नाम अंकित करा सकते हैं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा तथा चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता उदयपुर, भीलवाड़ा व बीकानेर प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। बसेड़ी कॉलेज में 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारम्भ। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी की NSS इकाई के द्वितीय वर्ष के स्वयं सेवकों का 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन मंगलवार को प्राचार्य सतीश कुमार त्रिगुणायत द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इसके बाद उन्होंने NSS के उद्देश्य व शिक्षा के साथ सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने 7 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए NSS के महत्व व उद्देश्यों की विवेचना की। पवन कुमार प्रजापत ने कार्यक्रम का संचालन किया। समस्त स्वयंसेवकों ने स्वच्छता कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की। शिक्षक संघ राधा किशन धौलपुर ने शुरू किया आग्रह अभियान। राजस्थान शिक्षक संघ राधा किशन ने पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी के नेतृत्व में प्रथम चरण में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए आग्रह अभियान शुरू किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राधा किशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे BLO, सुपरवाइजर, वैक्सीनेशन, सर्वे कार्य, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतिनियुक्तियों, मिड डे मील आदि में अथवा आए दिन ड्यूटियों में जूझना आदि में कार्य करने पड़ते हैं, जिससे विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। RTI के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने की व्यवस्था है, इसके बावजूद भी गैर शैक्षिक कार्यों में लगा दिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी के निर्देशानुसार राजस्थान शिक्षक संघ राधा किशन धौलपुर ने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने का प्रथम चरण में आग्रह अभियान शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में गणित को रोचक बनाने के लिए दिए सुझाव। राष्ट्रीय गणित दिवस के पूर्व दिवस पर बिपरपुर स्कूल के प्राध्यापक अतुल चौहान ने गणित शिक्षकों के लिए उनके शिक्षण के महत्व और उपयोगिता का वीडियो शेयर करते हुए गणित में विभिन्न क्रियाशील उपकरणों का उपयोग प्रदर्शित किया, जिसमें विभिन्न रेखा गणितीय समस्याओं के रोचक तरीके से हल कर बच्चों में गणित विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के तरीकों पर चर्चा की गई। गणित के विभिन्न संदर्भों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हुए चौहान ने बताया कि दैनिक जीवन में हमें घर बाजार क्रय विक्रय आय व्यय आदि सभी में गणित का ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि बच्चों को आरंभ में ही प्रारंभिक गणित का ज्ञान नहीं कराया जाए तो वे अपने जीवन में अनुभवों को समझने समझाने में असमर्थ रहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को समझने, सूर्योदय सूर्यास्त के समय उनकी स्थिति एवं दिशा आदि के ज्ञान के साथ गणित से बच्चों को शुद्धता का भी ज्ञान होता है। गणितीय कौशल विकसित करने हेतु गणित किट की उपयोगिता प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए इसका शिक्षण उपयोगी है। धौलपुर जिले के नीरज खाद्य सुरक्षा अवार्ड से सम्मानित धौलपुर जिले के सैपू इलाके के सहरौल गांव में निवासी नीरज कुमार दीक्षित को गुजरात में आयोजित फूड स्टडी राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा खाद्य सुरक्षा रत्न से सम्मानित किया गया। नीरज कुमार दीक्षित फिलहाल डेयरी तकनीकी में शोध कर रहे हैं।
इसके साथ साथ छोटे छोटे इन्वेस्ट लोगों को क्रूड और डेयरी के व्यवसाय के बारे में बताते हैं। अधिवेशन 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक उद्योग भवन गांधीनगर में चलेगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, हिमाचल मेहता, प्रेम मेहता, विपिन सिंह के अलावा हजारों की तादाद में देश भर के लोग शामिल हुए। धौलपुर के राकेश परमार को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित स्लोगन लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के उपभोक्ता आंदोलनकारी राकेश कुमार परमार के द्वारा प्रस्तुत स्लोगन को राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र एवं 2100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को जयपुर के योजना भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा। राकेश कुमार परमार विगत 15 वर्षों से धौलपुर जिले में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहते हैं तथा जिला स्तर पर नागरिक एवं उपभोक्ता परामर्श केंद्र धौलपुर का संचालन करते हैं।